بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا और उन्होंने मकर किया बहुत बड़ा मकर, यानी अवाम को मुझसे दूर करने के लिए इन बड़े सरदारों ने मकर किया, बहुत बड़ा, छोटा मोटा मकर नहीं किया। और ये मकर क्या होता है? हकीकत को तब्दील करके लोगों के सामने पेश करना। हकीकत में कुछ हुआ है, आजकल जो काम ज्यादातर मीडिया करता है, मतलब मिसाल के तौर पर आजकल एक तो जंग होती है ना, जो सिपाही लड़ते हैं और नेवी लड़ती है और आर्मी लड़ती है और एयरफोर्स लड़ती है। आजकल एक जंग जो हर वक्त जारी है वो मीडिया की जंग है। वो कौन सी जंग है? वो मीडिया की जंग है। तो मीडिया क्या करता है? आकर जो जो उसके मालिक हैं उनके नज़रियात को वो फॉलो कर रहा होता है, और दुनिया की जो खबरें हैं उनमें इस तरह तोड़ मोड़ करके लोगों तक पहुंचाई जाती हैं जो उनके मफादात को महफूज रखते हैं। बाज ऐसे कि जो 99 सच बोलते हैं एक झूठ बोलने के लिए, जमीना हमवार करने के लिए, ताकि लोग कहें ये तो सच्ची जगह है, ठीक है, जब ये एतमाद पैदा कर ले ताकि वो जो असल काम करना है वो कर सके, जगह मीडिया करते। तो उस जमाने में जो लोग थे, हजरत नूह फरमा रहे हैं कि इन्होंने बड़ा, बहुत बड़ा मकर किया है मुझसे लोगों को, यानी लोगों को, अवाम को मुझसे दूर करने के लिए, बहुत मक्कार लोग हैं। वकालू ला तज़रुन आलिहतकुम, और उस मकर की शक्ल क्या है? उन्होंने कहा है कि हरगिज अपने माबूदों को ना छोड़ना। ये पब्लिक को कह रहे हैं। ये जो नूह आया है ना, ये तुम्हारे आबाओ अजदाद जिनकी परस्तिश करते थे, जिन बुतों की, और जो तुम्हारे परवरदिगार जिनकी वजह से तुम जिंदा हो और जिनकी वजह से खा पी रहे हो, उनसे अटैच किया हुआ तुम। ये नूह तुम्हें कह रहे हैं इनको छोड़ दो, हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ दो। ये मकर है। असल माबूद जिसको, जिसका दामन थामना चाहिए, जो उसकी तरफ दावत दे रहे हैं, उसकी मुखालफत में अवाम को किधर डाल रहे हैं? शिर्क की तरफ डाल रहे हैं कि तुम इन माबूदों को तुमने नहीं छोड़ना। और कहने लगे, उन्होंने कहा अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना। वला तज़रुन वद्दन, ये बुतों के नाम है, वला सुवाअन वला यगूथा व यऊका व नसरा, और हरगिज न छोड़ना वद को और न सुवा को और न यगूथ और यऊक और नसर को। सवाल पैदा होता है कि ये हजरत नूह के जमाने के बुतों की इतनी ज्यादा नाम लेने की क्या जरूरत है? तो ये हिजाज में भी पूजे जाते थे इन्हीं नामों से, ठीक है। ये नस्ल दर नस्ल बुत चले हुए थे हजरत नूह के जमाने से, हालांकि इनके जितने आसार थे इन बुतों के तूफान नूह में वो तबाह हो गए थे। खुदा जाने कैसे, शायद जो हजरत नूह के साथ थे उनको नाम याद थे, बाद में जो उनमें से खराब हुए उन्होंने अपनी यादाश्त से कहा कि एक वद होता था तो एक सुवा होता था, एक यगूस था, एक यऊक था, एक नसर था। ये हिजाज में रसूलुल्लाह के जमाने में पूजे जा रहे, इसलिए इनके नाम लिए, वरना नाम लेने की जरूरत ही नहीं। पता नहीं पहले जमानों में क्या होता रहा। नाम इसलिए लिए ताकि मक्के वालों को बताए तुम भी उसी ट्रैक पर चल रहे हो जिस पर कौम नूह चल रही थी। और अब आपको बताता हूं इसकी एक दलील। आपने बड़ा मशहूर पहलवान सुना हुआ है जिसको मौला अली ने मारा था, अम्र इब्ने अब्द, ये वद गलत है, वद, ये वाला वद, अम्र इब्ने अब्द वद, यानी जैसे होता ना अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, वद के बंदे का बेटा अम्र, जैसे अब्दुल्ला होता है मुसलमान नाम रखते हैं, उसका नाम क्या था? ये अम्र इब्ने अब्द वद। इसके बाप का नाम क्या था? अम्र के इस पहलवान के बाप का नाम क्या था?
अब्द वद यानी वद का बंदा और उसका बेटा ये था अमर इब्न अब्द वद, ये वाला वद। ला तज़रुन आलिहतकुम, अपने माबूदों को ना छोड़ना। वला तज़रुन वद्दन वद, वला सुवाअन वला यगूसा व यऊका व नसरा, इन बुतों के नाम। फिर हज़रत नूह फरमाते हैं वक़द अदल्लू कसीरा, और इन लोगों ने कसीर तादाद में लोगों को गुमराह किया, यानी इन प्रोपेगेंडा मशीनरी ने, इन सरदारों ने, इन मालदारों ने जिनको तूने माल और औलाद दिया था, माल औलाद पर शुक्र करने की बजाय इस माल और औलाद की वजह से और खराब हो गए। इन्होंने फिर बहुत सारे लोगों को गुमराह किया। वला तज़िद ज़ालिमीना इल्ला ज़लाला, और ए अल्लाह जालिमों की गुमराही के अलावा अब किसी चीज में इजाफा ना करना। अब इंसान सोचता है कि अल्लाह का नबी ये दुआ मांग रहा है, वो तो हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह का नबी कह रहा है या अल्लाह अगर बढ़ाना है तो इनकी गुमराही बढ़ाना। तो ये 950 साल धक्के खाने के बाद की बात है। इसका बैकग्राउंड क्या है? असल में ये फरमा रहे या अल्लाह इतनी मैंने हिदायत की कोशिश की है लेकिन इनको पसंद ही गुमराही है, तो तू भी अब इनकी वही बढ़ा जो इनको पसंद है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। आपको एक वो आप रिवायात में सुनते रहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहादत से जो पहली रात थी उसमें, यानी उसी शब में इमाम ने फरमाया था कि मैंने ख्वाब देखा और उसमें मैंने रसूलुल्लाह को देखा और रसूलुल्लाह ने मुझसे कहा कि इनके लिए बदुआ करो। मैंने गिला किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इनके लिए बदुआ करो, तो मैंने ये अल्लाह से दुआ की है या बदुआ उसे कह लें कि खुदाया मुझे इनमें से उठा ले और जिसके ये काबिल है उसको इन पर मुसल्लत कर दे। ठीक है ना, ये हज़रत नूह वाली बात ही है कि इनको जो पसंद, इनको अली पसंद नहीं आ रहा, तो फिर जो ये चाहते हैं ना, जो हरकतें कर रहे हैं उसका जो नतीजा है वही इनको दे दे। ये वो दुआ है कि अब ये इतना अरसा तक इनको हिदायत की बात समझ नहीं आई, ऐ अल्लाह अब इनकी गुमराही बढ़ाना, इनको वही पसंद। صدق الله العلي العظيم.